और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हुआ आपका एवरेज रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन एवरेज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। सो गाइस, हम लोग एक सीरीज शो बना रहे हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के देख रहे थे। इसी सीरीज में आज एक अगला वीडियो, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन इन मोनोपोली। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सी गाइस, अगर हम मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली में हमेशा देयर विल बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, there will always be super normal profit. और super normal profit का मतलब हुआ आपका average revenue will be greater than average cost. ठीक है, cost से ज्यादा होगा आपका revenue. चलिए देखते हैं। हमारा AR कर्व या डिमांड कर्व, इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जैसा कि आप जानते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये रहा MR। अब क्योंकि यहां पर योर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, या फिर यहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, तो समझिएगा जो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व होगा इट विल लाई बिलो एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया। अब हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाएंगे। सो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? फॉर इक्विलिब्रियम एमसी शुड बी इक्वल टू एमआर, राइट? So, ये पॉइंट है MC equals to MR, यहां पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q मिल गई। इसी को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगी, और इसी को और ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें प्राइस मिल जाएगा। तो देखिए, प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट, और सिंस प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट, इसको M बोल लीजिए, इसको N बोल लीजिए, MN आपका क्या हो गया? प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, सो ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। दैट मीन्स अगर आप प्रॉफिट पर यूनिट MN को OQ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मोनोपोली में ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, राइट, शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट कर दिया है। सो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।